मैं हूँ बेसिकली कर्नाटक से, मेरा नाम पाखी हेगड़े है। सो लेकिन भोजपुरी से एक बहुत प्यारा नाता जुड़ गया है और ऑलमोस्ट मेरी 65 फिल्म्स यहाँ पर भी हुई है, अपार्ट फ्रॉम अदर रीजनल लैंग्वेजेस लाइक पंजाबी एंड गुजराती एंड मराठी। लेकिन सबसे जो कनेक्शन मेरा रहा है ज़्यादा, वो है भोजपुरी ऑडियंस से। ये बहुत सीधी, सरल और मीठी ऑडियंस रही है। कई चीज़ों का अभाव भी होता है तो भी वो बहुत प्यार से थिएटर में जाते हैं और पिक्चरें देखते हैं। कि जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो मुझे कोई नहीं पहचानता था। मैंने एक सिंपल DD1 के शो से शुरुआत की थी जिसका नाम था मैं बनूंगी मिस इंडिया, और उसके बाद पाखी ने उड़ान भरी है। आज आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और बहुत खुशी महसूस होती है। मैं हमेशा अपनी कोशिश करती रहती हूँ कि मैं अपने काम में 100% हूँ। फिल्मी लोकेशन के लिए भी काफी बेहतरीन जगह हो चुका है, तो क्या आप अपने आने वाली फिल्मों में इस स्थानों को महत्व देंगी? ऑफ कोर्स, हम गोरखपुर में काफी इसके पहले भी शूटिंग और फिल्मों के गाने कर चुके हैं और गोरखपुर की, गोरखनाथ बाबा की मंदिर की काफी महानता और महात्म्य यहाँ का रहा है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ इस धरती पर हमेशा ही आना चाहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब भोजपुरी फिल्मों को जितना पहले सब्सिडी और ये सब चीज़ों का उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता था, अब यूपी गवर्नमेंट फिल्मों को एक सब्सिडी दे रही है और इस वजह से काफ़ी सारी फिल्में यहाँ पर होने की संभावनाएं बढ़ गई है। तो बहुत सारी हिंदी फिल्में भी यहाँ पर हो रही है और मैं चाहूँगी कि जितने मेरे फिल्म के गाने हो और अच्छी लोकेशन की जब भी जरूरत हो तो मैं रेकमेंड जरूर करूँगी मेरे प्रोड्यूसर्स को भी कि प्लीज़ यहाँ पर शूट करें। YouTube ऐप पर बेल आइकन दबाएं और iNext Live के कोई भी वीडियो मिस ना करें।